नमस्कार। इस कला के युग में हाथों से द्वारा बनाई गई चीजों को बहुत ही अहम माना जाता है, तो इसी के साथ गुजरात के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट डिजाइन के बारे में आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो पहले हम लोग रूबरू करवाते हैं आपको गुजरात की ट्रेडिशनल पेंटिंग डिजाइन के बारे में, और जिसका नाम है मातानी पिशेड़ी पेंटिंग डिजाइन, यानी कि माता रानी की पेंटिंग को दुपट्टों पर किया जाता है। और इस पेंटिंग की प्रक्रिया में कॉटन के कपड़ों पर डिजाइन किया जाता है और साथ ही में कुदरती रंगों से उन डिजाइनों को भरा जाता है। और इन डिजाइनों में रंग भरने के लिए बांस की कलम का ही प्रयोग होता है। इन पेंटिंग्स में दो ही रंगों का, काला और लाल रंगों का ज्यादा प्रयोग होता है। 300 सालों पहले छोटी जाति के लोगों को जब मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था, तो उन लोगों ने कपड़ों पर ही माता रानी की पेंटिंग को बनाकर उन्हें पूजना शुरू किया, और धीरे धीरे पूरे इंडिया में इन पेंटिंग्स को जाने जाने लगा। और आज के समय में गुजरात का अहमदाबाद शहर इन पेंटिंग्स का मुख्य केंद्र है। रोगन पेंटिंग डिजाइन। अगर कोई सबसे बारीक पेंटिंग है तो वो है गुजरात की रोगन पेंटिंग। और रोगन पेंटिंग को भी कपड़ों पर ही किया जाता है, और इन पेंटिंग्स में काफ़ी तरह के रंगों का भी प्रयोग होता है। रोगन पेंटिंग के डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक होते हैं, और इसी के साथ ही गुजरात का कच्छ शहर इन पेंटिंग्स का मुख्य केंद्र है। अगला है हमारा पिथोरा पेंटिंग डिज़ाइन। पिथोरा पेंटिंग, जिनमें कि पिथोरा शादी से जुड़े गए चित्र बनाए गए हैं, और इन सभी के अलावा गुजरात के बिलाल जनजाति के लोगों के द्वारा ही ये पेंटिंग बनाई जाती है। और इन पेंटिंग्स के चित्रों की कला उन लोगों की स्त्रियों के हाथों पर भी देखी गई है, और इन्हीं के साथ ही उन लोगों की घरों की दीवारों पर भी ये पेंटिंग बनाई जाती है, जिनमें कि देवी देवताओं की छवि भी होती है। आगे है हमारी वारली पेंटिंग डिजाइन। और वारली पेंटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी हमने महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी और पेंटिंग डिजाइन वाली वीडियो में दी है। अब हम बात करते हैं गुजरात के ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी डिजाइन के बारे में। और एम्ब्रॉयडरी की पहली किस्म है गुजरात की ही सूफ एम्ब्रॉयडरी, जिसको कि कच्छ एम्ब्रॉयडरी भी कहा जाता है। और गुजरात में त्योहारों के दिनों पर पहने जाने वाले चनिया चोली के डिजाइनों पर भी सूफ एम्ब्रॉयडरी का ही इस्तेमाल कर उन डिजाइनों को पूरा किया जाता है। और गुजरात की सूफ एम्ब्रॉयडरी बंजारा एम्ब्रॉयडरी से काफी मिलती जुलती है। बात करते हैं गुजरात की दूसरी एम्ब्रॉयडरी के बारे में, जिसका नाम है जरदोजी एम्ब्रॉयडरी। बारीक मोतियों और धागों का इस्तेमाल कर ये एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन पूरा किया जाता है। गुजरात के जरदोजी एम्ब्रॉयडरी को कपड़ों के साथ साथ बेडशीट के इस्तेमाल में भी प्रयोग किया जाता है। गुजरात के कढ़ाई के कामों को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं बीड वर्क के बारे में। बीड वर्क यानी कि मोतियों का काम, और इन्हीं मोतियों के कामों की वजह से गुजरात में पहने जाने वाले वस्त्र काफी आकर्षक और भारी होते हैं। अप्लीके वर्क या पिपली का काम, घरों में की जाने वाली सजावट के लिए गुजरात की एक अनोखी विधि अप्लीके वर्क एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक एम्ब्रॉयडरी है, और सजावट के लिए जिसके डिजाइन काफी अच्छे हैं। अजराक वर्क, एम्ब्रॉयडरी के डिजाइनों के अलावा प्रिंटों के डिजाइनों में गुजरात का अजराक वर्क और बांधनी डिजाइन सबसे ऊपर है। बांधनी डिजाइन और अजराक डिजाइन के इस्तेमाल से तैयार हुई ये साड़ियाँ गुजरात में काफी फेमस है। पाटन पटोला एम्ब्रॉयडरी। पाटन पटोला एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो इंडिया के मोस्ट लग्जरी डिजाइनों में से एक है पाटन पटोला एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन। और इन साड़ियों के ऊपर किया गया ये डिजाइन महंगा होने के साथ साथ काफी ज्यादा कठिन भी होता है। रंगों में आपको काफी तरह के रंग देखने को इन एम्ब्रॉयडरी में मिलते हैं। और लास्ट में हमारी है तांगलिया एम्ब्रॉयडरी। गुजरात के सुरेंद्र नगर में हाथों के जरिए बनाई गई ये एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, जिसके जरिए की सिंपल कढ़ाई के साथ साथ इन एम्ब्रॉयडरी की साड़ियाँ काफी भारी नहीं होती हैं।
और इन सभी चीज़ों के अलावा गुजरात में लकड़ी की नक्काशी, चमड़े का काम और धातु का काम भी होता है। और सबसे दिलचस्प बातों में से एक है गुजरात की झूरा बेल्स। झूरा बेल्स या चांदी की घंटियां गुजरात में पाई जाने वाली एक ऐसी कला में से है जो कि संगीत को ही दर्शाती है। झूरा बेल्स के संगीत का ये नज़ारा आपको गुजरात के कच्छ शहर में देखने को ही मिलता है। गुजरात में लकड़ी के कामों की सबसे सुंदर उदाहरण है गुजरात का ही सांगेड़ा फर्नीचर। गुजरात में सांगेड़ा फर्नीचर के डिज़ाइन काफ़ी अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। घरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए गुजरात में कई घरों में इन फर्नीचर को देखा गया है। इन फर्नीचर के डिज़ाइनों में सबसे ज़्यादा देखने वाला डिज़ाइन है सांगेड़ा झूला। स्टोन कार्विंग, पत्थरों पर की जाने वाली नक्काशी आज भी गुजरात के मंदिरों में झलकती है और इन नक्काशी के डिज़ाइन काफ़ी कठिन तरीकों से दिखाए गए हैं। चांदी के आभूषण भी गुजरात की हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइनों में शामिल है। और लास्ट में है लिप्पन आर्ट। मिट्टी के प्रयोग से और शीशों के जरिए बनाई गई ये कला गुजरात की सभी कलाओं को पीछे छोड़ती है और इस कला के डिज़ाइन आपको गुजरात के हर किसी स्थान पर देखने को मिलते हैं। तो लीजिए, आज आप लोगों ने गुजरात की काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। तो इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर नीचे ज़रूर बताइएगा। और आगे भी आपसे लेकर आते रहेंगे ऐसे ही दिलचस्प वीडियो, तो देखते रहें YouTube के चैनल इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइन को। धन्यवाद।